सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ SSP नॉलेज पॉइंट। आ चुके हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो को लेके हमारे चैनल SSP नॉलेज पॉइंट पर, जो कि वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है स्कॉलरशिप के ऊपर। यानी आज के इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। इस वीडियो से स्कॉलरशिप के रिलेटेड सारे की सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। एंड अगर हमारे चैनल पे न्यू हो और ऐसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या आउटर मोस्टली नॉलेज से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो आप सही चैनल पर आए हो गाइस, एक सब्सक्राइब कर दो। तो आइए गाइस, बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक्स पे, जो कि पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज स्कॉलरशिप, सेकंड टॉपिक है हमारा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है हमारा स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग हमारे पहले टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आर फाइनेंशियल एड अवार्ड्स डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट पे फॉर एन अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री। समटाइम अ स्कॉलरशिप इज अ वन टाइम चेक, अदर स्कूल स्कॉलरशिप आर रिन्यूएबल एंड प्रोवाइड मनी फॉर स्टूडेंट ईच सेमेस्टर और स्कूल ईयर। यानी कि गाइस, जो स्कॉलरशिप है वो एक तरीके से एक प्राइस मनी है जो कि उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो गाइस गरीब घर से, यानी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो इतना अफोर्ड नहीं करते कि वो अपनी डिग्रीज़ को कर पाए, आगे की पढ़ाई को जारी रख पाए, तो उनकी पढ़ाई पर कोई अफोर्ड ना आए, इसीलिए उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ ये सब उन्हें स्कॉलरशिप देती है, जो कि एक पेएबल अमाउंट होता है उस ग्रेजुएशन की फ़ीस के लिए। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप इन इंडिया, HDFC एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप स्कीम, सेकंड फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सिस FAEA, एंड थर्ड इंडियन ऑयल एकेडमिक स्कॉलरशिप। तो आ चुके हैं हम लोग हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। द फोर स्कॉलरशिप स्कीम्स रन बाय UGC आर ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक होल्डर्स, PG स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स फॉर पोस्टिंग प्रोफेशनल कोर्सेज। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग पहली स्कॉलरशिप पे, जो कि क्लास 10th के लिए अवेलेबल है, वह HDFC एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आइए वो देख लेते हैं। द स्टूडेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग इन क्लास 1st to 12th इन अ प्राइवेट और गवर्नमेंट और AID स्कूल। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास द प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन विद एट लीस्ट 55% मार्क्स। एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इनर 2.5 लैक्स। यानी जो कि हमारा स्टूडेंट होगा वो मस्टली स्टडी करना चाहिए 1st to 12th क्लास में, यानी पहली से 12वीं क्लास में ही बच्चा पढ़ना चाहिए। दूसरा, वो या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। तीसरा, उसने अपना पिछला क्लास जो हो वो 55% से ज़्यादा के साथ क्वालिफाई किया हो। एंड थर्ड एंड लास्ट जो होगा वो होगा उसकी एनुअल पूरी फैमिली की जो इनकम होगी पूरे साल की, वो 2.5 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सो गाइस, ये है हमारी सेकंड स्कॉलरशिप, जो कि है फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस FAEA। ये भी क्लास 10th के लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट मस्ट बी अ परमानेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट मस्ट पास देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन, स्टूडेंट मस्ट बी प्रस्यूजिंग फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट मस्ट बी बिलोंगिंग
टू द एससी एसटी एंड बीपीएल कैटेगरीज, यानी जो कि हमारा स्टूडेंट होगा वो एक परमानेंट सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। देन स्टूडेंट जो होगा वो 12वीं पास भी होना चाहिए, और देन स्टूडेंट जो होगा उसने फर्स्ट ईयर की ग्रेजुएशन भी की हो, एंड देन उसका जो कैटेगरी है वो एससी एसटी एंड बीपीएल हो, तब वो इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सो गाइस, थर्ड स्कॉलरशिप जो है, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए अवेलेबल है, वो है इंडियन ऑयल एकेडमिक स्कॉलरशिप। ये इंडियन ऑयल एजुकेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई AICTE, स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, स्टेट टेक्निकल एजुकेशनल बोर्ड ICSE, ISC एंड CBSE। स्टूडेंट मस्ट बी प्रस्यूजिंग दीज कोर्सेज ऑन फुल टाइम और रेगुलर बेसिस। यानी जो इंडियन ऑयल एकेडमिक स्कॉलरशिप है उसके लिए स्टूडेंट मस्ट बिलोंग करना चाहिए कॉलेज या तो स्कूल या तो इंस्टीट्यूशन से, और वो रिकॉग्नाइज्ड करता हो एमसीआई बोर्ड्स, AICTE बोर्ड्स, स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, स्टेट टेक्निकल एजुकेशनल बोर्ड्स, ICSE बोर्ड्स, ISC बोर्ड्स और CBSE बोर्ड्स में से किसी एक में भी। स्टूडेंट मस्ट बी परस्यूजिंग दिस कोर्सेज, यानी इनमें से कोई सा भी एक होना चाहिए फुल टाइम और रेगुलर बेसिस पे। सो नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो कि हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ईशान उदय स्कॉलरशिप फॉर नर डिस्ट्रीब्यूशन अ टोटल ऑफ 10,000 स्कॉलरशिप एट द रेट ऑफ अप टू इनर 7,800 पर मंथ एवरी ईयर टू द सेलेक्टेड स्टूडेंट। The scholarship amount is paid to the selected candidate through DBT direct benefit transfer mode into their bank accounts। यानी ये जो ईशान उदय स्कॉलरशिप है वो नियरली 10,000 के आसपास अवेलेबल है, और इसमें हमारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में करीबन 7,800 पर मंथ डाले जाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। ये हमारी ईशान उदय स्कॉलरशिप। सो गाइस, नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जो कि है PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 2022-23 बी अ गर्ल स्टूडेंट अप टू 30 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बी द ओनली चाइल्ड ऑफ द फैमिली, हैव टेकन एडमिशन टू रेगुलर फुल टाइम फर्स्ट ईयर मास्टर्स डिग्री कोर्सेज इन एनी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी और अ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। यानी जो ये हमारी स्कॉलरशिप है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप में जो सिंगल चाइल्ड के तहत है, बी अ गर्ल, यानी एक लड़की जो कि 30 साल की उम्र तक की हो एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, उसकी ये है 30 इयर्स तक में वो एडमिशन ले सकती है, और वो अगर अपनी फैमिली की इकलौती चाइल्ड है देन इट टेकन एडमिशन टू रेगुलर फुल टाइम फर्स्ट ईयर मास्टर्स डिग्री कोर्सेज इन एनी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी। यानी वो किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री कर सकती है। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो होते हुए ख़त्म, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक प्लीज़ कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट्स को आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट ना कर पाओ।